केवट ने कहा, प्रभु अगर आप थक गए हो तो ऐसा करो, आप अपना हाथ हमारे सर पर रख लो, मेरे सर का सहारा ले लो, कभी नहीं थकोगे। राम मुस्कुराने लगे, बारे केवट तू मुझे सहारा दे रहा है या मेरा सहारा तू ले रहा है। केवट सोच रहा है, प्रभु का दाहिना पैर हमारे हाथ में है और मुझ पर अभी पूर्ण कृपा भगवान की नहीं हो पाई। जब प्रभु अपना हाथ हमारे सर पर रखेंगे तब मुझ पर पूर्ण कृपा होगी। तो राम ने सोचा, केवट तू तो बहुत चतुर है, मैं ऐसे तेरे हाथ सर पर हाथ नहीं रखेंगे। केवट ने सोचा, आप हाथ नहीं रखोगे तो हम पैर नहीं छोड़ेंगे। तो भैया अंत में राम ने केवट के सर पर हाथ रख दिया, केवट पर पूर्ण कृपा होगी। राम ने कहा, भैया अब मुझे गंगा पार जल्दी कर दो। केवट ने कहा, चुपचाप खड़े रहो, पहले हम औरों को पार करें। राम ने कहा, केवट हमारे सिवाय यहाँ कोई है ही नहीं, किसे पार करोगे। तो केवट ने कहा, प्रभु हम आपके चरणामृत से पहले अपने पूर्वजों को उतारेंगे, उसकी बाद हम तुम्हें गंगा पार उतारेंगे। केवट ने चरणामृत लिया, पान कर लिया, नाव पर छिड़का, तीनों प्राणियों को नाव पर बिठाया, लेकर के चलने लगा। और केवट चलने लगा तो केवट गाने भी लगा। भाई केवट अकेला है, अपनी नाव चला रहा है और बल्ली को पकड़े है और केवट गा रहा है कि मेरी नैया में बैठे हैं राम, तुम गंगे मैया धीरे बहो। हो मेरी नैया में बैठे हैं राम, गंगे मैया होले बहो। और 201 रुपए दक्षिणा भेंट कर रहे हैं संदीप भैया, प्रॉपर्टी डीलर ग्राम बरवटुंडा, 201 रुपए दक्षिणा भेंट कर रहे हैं। और हमारे सभी भाइयों को 21-21 रुपए दक्षिणा भेंट कर रहे हैं, दोनों भाइयों पर, प्रधान जी भैया पर, संदीप भैया पर, बाकी बिहारी जी की, भगवान श्री राम की कृपा बनी रहे। प्रधान जी भैया प्रसाद ले लो।